साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले हम अपने आप को इस बारे में तैयार करें कि क्षेत्र क्या है। यह जो क्षेत्र का ज्ञान है, ये क्षेत्र का ज्ञान क्षेत्र से वैराग्य प्राप्त करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए क्षेत्र में अनेक प्रकार के विकार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो यह जो अनेक प्रकार के विकार क्षेत्र में है, ये जान करके करना क्या है, ये करना है कि क्षेत्र और उसके जो कार्य करण और विकार है, इनके प्रति हृदय में वैराग्य जागृत होवे। पहली बात, इसीलिए क्षेत्र का अर्थ क्षेत्र का अध्ययन। अब दूसरी बात, यह जो क्षेत्र से अलग हमने क्षेत्रज्ञ को समझा है, तो क्षेत्र माने यहां देह, देह से हम यदि अपने को अलग समझते हैं, तो उसके बाद हमारे हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। जब तक हम अपने को देहवान समझते हैं, तब तक के तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती। सरल सरल हिसाब है, तब तक के विचार कौन से आएंगे, विचार दुनिया को लेके आएंगे, फिर वो अच्छे हो या बुरे हो, दुनिया को लेकर के आने वाले जो विचार है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम देहात्म भाव में फंसे हुए। तो जहां हम अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार करेंगे, तो उतने से नहीं होगा, फिर सवाल यह आएगा कि फिर हमारा स्वरूप क्या है। इसी एक चीज को लेकर के कोहम साधना शुरू होती है कि मैं कौन हूं, ये प्रश्न किसके मन में आएगा, जिसने अपने को देह से भिन्न स्वीकार किया है। जब हम अपने को देह स्वीकार करते हैं, तो ये प्रश्न बनता ही नहीं। जब मैं देह हूं, तो ये प्रश्न कहां आया, मैं कौन हूं, मुझे मालूम है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, पुत्री हूं, अमुक की पत्नी हूं, पति हूं, कहां डाउट है। डाउट तो तब आएगा कि जब मैं देह से व्यतिरिक्त हूं। तो एक बार यहां स्थिति आने के पश्चात, तो ये तो केवल हमने बौद्धिक दृष्टि से समझ लिया है कि हां, जब कहते हैं देह से कोई भिन्न होना ही चाहिए, क्योंकि मरने के बाद देह तो पड़ा रहता है, उसमें से कोई निकल गया, तो फिर ये जो कोई है, जो देह में रहने वाला है, तो हमने बौद्धिक दृष्टि से स्वीकार किया, लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन क्या अभी ये हमारा अनुभव है कि हम देह से भिन्न है। तो यह केवल बौद्धिक प्रक्रिया हमने की अभी तक, तो इस बौद्धिक प्रक्रिया को स्वीकार करने के पश्चात, फिर इस जो देह से भिन्न है उसका क्या स्वरूप है, ये पहचान कराने के लिए हमें कोई ना कोई साधना करनी पड़ेगी, और वो साधना है ज्ञान साधना। और इस ज्ञान साधना में हम देखे 20 प्रकार से देखा, जैसे अमानित्व अदम्भित्व से लेकर के, तो ये सभी की सभी साधना का प्रयोजन क्या रहा, एक ही रहा कि हमने अपने को देह से भिन्न के रूप में अनुभूत करने का प्रयत्न किया है। मेरे गले को एकदम क्या हो गया महात्मा जी, ऐसा क्यों हो रहा बाबा, मेरी आवाज तो इतनी अच्छी है। देखो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है।
अच्छा महाराज, तो हमने ये ज्ञान साधना करने के बाद जो तत्व बौद्धिक दृष्टि से स्वीकार किया था उसको अनुभूति करने के लिए अब तैयारी की है, तो ऐसा जो साधक है जिसने यह ज्ञान साधना करी है, ज्ञान साधना शुरू हो गई अमानित्व अदम्भित्व सातवें श्लोक से लेकर के ग्यारहवें श्लोक तक, और उसमें दो बातें बताई, ज्ञान साधना क्या है और इसके जो विपरीत है वो अज्ञान साधना है। तो हम लोग तो अज्ञान साधना कर ही रहे हैं, अब इस अज्ञान साधना में से अ को डिलीट करना है बस। ये जिसने साधना कर ली है उसके लिए अब बारहवें श्लोक से तत्व का उपदेश है। देखो, जब हम स्थूल देह प्रधान होते हैं तो उपदेश होता है धर्म का और कर्म का। धर्म हमेशा कर्म स्वरूप होता है, तो उसमें हमको बताएंगे अच्छा करना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, उसके बाद अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने चाहिए और मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, और उसके बाद खाना खाने के बाद 16 बार गुल्ले करना चाहिए। यहां तो हम टिश्यू पेपर से पूछने वाले हैं तो 16 बार गुल्ले करो। तो ये देह प्रधान जो है उसके लिए ही साधना है। उसके बाद जो अपने मन या भावना प्रधान व्यक्तित्व है उसके लिए भक्ति साधना बताएंगे, और इन दो साधना करने के बाद जब हम और सूक्ष्म हो जाते हैं उसके लिए ज्ञान साधना बताएंगे। और ज्ञान साधना में क्या होगा, हम परमात्मा को आत्म रूप से पहचान शुरू करें। तो परमात्मा की आत्म रूप से पहचान करना माने क्या, अब हम लोग 12वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते सर्वत पाणिपादं तत सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रतिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं
तो यह 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक अब परमात्मा का वर्णन हो रहा है। पहले बताया था क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र का वर्णन हो सकता है और ये जो क्षेत्रज्ञ है उसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर उसको केवल लखाते हैं, जिसको कहते हैं हमारे न्याय शास्त्र में कि चंद्रशाखा न्याय। चंद्रशाखा न्याय माने द्वितीय की चंद्रमा की जो कला है अत्यंत सूक्ष्म और तुरंत नहीं दिखती, तो एक ने देख ली, उसने कहा देखो कितना सुंदर है यह बीज का चांद, ईद का चांद कितना सुंदर है, तो उसको दिखाने भी कहां है दिखाओ, बोले देखो सामने है, नहीं दिखा। फिर उसको कहा तुमने पेड़ देखा, हाँ देखा, वो जो बाई जो डाली है उसको देखा, हाँ देखा, उस डाली के ऊपर में दो पत्ते है देखा, हाँ देखा, उन दो पत्ते के बीच में से देखो तो तुमको वो चंद्रमा की कला नजर आएगी। तो जो दिख नहीं रहा था उसको जो दिख रहा था उसके माध्यम से दिखा दिया, लेकिन इस बखान में चंद्रमा की कला क्या है इसका वर्णन नहीं किया। देखो इसी प्रकार से यहां क्षेत्रज्ञ परमात्मा इसका वर्णन नहीं हो रहा है, केवल उसके तरफ पॉइंटिंग हो रहा है कि वो है परमात्मा। तो वो क्या है ये अनुभव की बात है, ये शब्दों में आने वाली बात नहीं है। कठोपनिषद में नचिकेत को यमराज भगवान बताते हैं, एक एक बात बताने के बाद कहते हैं ए तद्वई तत्, ये वो है, लेकिन वो क्या है ये नहीं बताते। इसी प्रकार से यहां जो परमात्मा का वर्णन हो रहा है ये वर्णन जैसा क्षेत्र का वर्णन हुआ है उस प्रकार का नहीं है, यह केवल दिखाने की लखाने की प्रक्रिया है। तो पहली बात कहते हैं भगवान नेयम यत्तत् प्रवक्षामि, प्रवक्षामि देखो ये जो वक्षामि शब्द बनता है भविष्य काल में ये दो धातु से बनता है, वह और वच। वच माने बोलना, वह माने ढोके ले जाना, तो इन दोनों के भविष्यकालीन जो रूप बनेंगे दोनों के वक्षामि बनेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको इस तत्व के बारे में बताऊंगा भी और ये भी देखूंगा कि तुमको समझ में कैसे नहीं आता। देखो कितनी हिम्मत है, माने ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तुम ट्राई करो, हाँ तुमको समझाने का और तुम्हारे गले उतारने का ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे होता है ना ये जो एग्रेसिव मार्केटिंग में ऐसा नहीं कि आपको यदि जरूरत हो तो इसको ले लीजिए, हाँ एग्रेसिव मार्केटिंग में क्या होता है आपको जरूरत नहीं फिर भी ले लीजिए। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि तुम ये फिक्र में मत पड़ना कि कैसे समझ में आएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। नेयम यत्तत् प्रवक्षामि, इसीलिए वक्षामि के पहले प्र उपसर्ग लगाया है। प्र का तात्पर्य है मैं इतनी स्पष्टता से सरल और जबरदस्त बताऊंगा कि तुमको उसका अनुभव आने के बगैर दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है। अच्छा क्या बताओगे भैया, यद नेयम, नेय ये शब्द के दो अर्थ है, नेय माने जो जाना गया, जैसे ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये त्रिपुटी हो गई, जैसे ध्याता ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी हो गई, तो गेय का एक अर्थ है कि जो जाना जाता है, लेकिन परमात्मा तो वो है वो जाना नहीं जाता, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, वो ज्ञान है। तो यहां फिर ज्ञेय शब्द का क्या अर्थ है, ज्ञेय माने जानने योग्य, इस जगत में जानने योग्य यदि कोई वस्तु विषय है
तो वो केवल परमात्मा है। अब देखो, आप दुनिया के किसी भी विषय को जान लीजिए, कोई भी विषय लीजिए, लेकिन किसी विषय को जानने के बाद ये हम नहीं कह सकते कि इसको जानने के बाद मेरे जीवन के सुख दुख सब समाप्त हो गए और मैं मस्त हो गया हूं। ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जानो वो कि जिसको जानने के बाद जीवन में मस्ती आ जाए, तब तो उसको जानना कहेंगे। जैसे हमको एक लोग मिले थे, मियां बीबी, एकदम धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र है उनका, तो हमको बताया, स्वामी जी हम लोगों की केमिस्ट्री नहीं जुड़ती, क्या करे पता नहीं आता। हमने कहा केमिस्ट्री को डिलीट कर दो, फिजिक्स शुरू कर दो, झगड़ा करने की क्या बात है। तो जीवन में यदि लक्ष्य स्पष्ट हो कि जीवन में हमको चाहिए क्या, इसी छोटी छोटी बातें में फंसे रहेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा। जब मैंने कहा तो मैं जो भी बात करती हूं उसका विरोध ही होता है। अरे छोड़ो छोटी मोटी बातों को, अपने मन को हृदय को किसी उच्च वस्तु में लगाए। जितना आदमी चूहे के दिल वाला होता है उतना आदमी छोटी छोटी बातों में फंस जाता है। और उदार हृदयानाम तू, जितना अपना दिल बड़ा होता है वो ऊंची वस्तु पर या ऊंची स्थिति पर पहुंच जाता है। इसीलिए जीवन में गेय जानने योग्य यदि कोई वस्तु है तो एक ही है, जिसको जानने के बाद अमृतम अश्नुते, हम अपने जीवन में परिपूर्णता की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेंगे। तो ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, तो ये गेय वस्तु क्या है, यत् तत् जो भी होगी। देखो पहले से हमारे दिमाग में कोई बंधन निर्माण नहीं किया। बंधन कैसा निर्माण हो जाता है, हम कृष्ण के भक्त हैं तो हम चाहेंगे कृष्ण का ही दर्शन हो, हम राम के भक्त हैं हम कहेंगे राम का ही दर्शन हो, और हम शिवजी के भक्त होंगे तो हम कहेंगे शिवजी का दर्शन हो, हम अपने गणेश जी के भक्त हैं लड्डू खाने वाले तो गणेश जी का दर्शन हो। तो ये तो हमने इन नाम रूपों में अपने आप को फंसा के रखा है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से सभी तो वही है, इसीलिए उसकी जो मर्जी आई उस मर्जी में अपने पास आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ठीक है आप हमारे घर आ गए, जिसे समझो आप किसी के घर चले जाओ, उन्होंने कहा आप आ गए ठीक है बैठिए, लेकिन मैं किसी दूसरे की राह देख रहा हूं, तो कितना अपमानजनक होगा। उसी प्रकार से परमात्मा जिस नाम रूप में हमारे जीवन में आते हैं उसका तो हम तिरस्कार करते हैं, और जिस नाम रूप धारण करके नहीं आते उसकी राह देखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको भूख नहीं होती और जबरदस्ती खाने को बैठाओ तो वो देखेंगे क्या नहीं है, देखेंगे आज चावल नहीं बना, मम्मी चावल चाहिए, और चावल ही नहीं वही वो मांगेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि भूख नहीं है। इसीलिए ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, हमको जीवन में ऐसी वस्तु जाननी है पहचाननी है कि जिसको जानने पहचानने के बाद जगत में जो दरिद्रता हमारे जीवन में आ गई है। देखो दारिद्र्य किसको कहते हैं, दारिद्र्य कहते उसको कि जब इस जगत के स्थूल विषयों को लेकर के हम अपने आप को अमीर गरीब समझने लग जाते हैं, तो यह अपने जीवन का आध्यात्मिक दारिद्र्य है। इसलिए ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि और यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अश्नुते का अर्थ खाना नहीं। कई बार ये शब्दों के योग्य अर्थ नहीं जानने के कारण हम लोग कहीं भी किसी भी मंत्र का उपयोग कर लेते हैं। एक बात मुझे हमेशा याद आती, एक सिंधी मित्र है हमारे, अमेरिका में रहते, उनको कुछ नहीं आता,
जैसे तो बूढ़े हैं और वहां तो पंडित का मिलना, छोटी मोटी पूजा करने को मिलना, कुछ मिलते नहीं पंडित लोग। तो ये अंधों में काना राजा, तो जब हम गए तो उनके घर में कुछ पूजा हो रही थी, गृह प्रवेश की पूजा। हमको बोला स्वामी जी आप आइए, हमारे पंडित जी आएंगे और वो पूजा करेंगे। हाँ ठीक है, हम गए और पूजा के लिए मंत्र कुछ भी करना हो वो कहे अच्छा ये करो ऐसा वो करो वो ठीक है हाँ अच्छा सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाशी कृपा दयाशी हो गया हाँ अच्छा वहां चंदन चढ़ाओ फिर सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाशी। वो सब होने के बाद मैंने कहा कि सिंधी महाराज आपने ये मराठी कहां से सीख लिया? तो बोले स्वामी जी बाद में बात करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो स्वामी जी यहां किसी को कुछ नहीं आता, और असली बात मालूम है क्या, मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो पास करना ही है। मुझे वर्क परमिट नहीं है यहां, अमेरिका में अनलेस यू गॉट ए वर्क परमिट यू कैन नॉट वर्क। तो बोलिए वर्क परमिट नहीं है, तो मैं जाकर के अपनी एक ये जो आरती है, मैं बंबई का रहने वाला हूं तो वहां चारों तरफ गणेश जी होते हैं, कहीं भी चले जा सुख करता दुख करता, ये आरती बंबई के पत्थरों को भी याद है। तो मैं तो सिंधी हूं देखो, तो अश्नुते का अर्थ खाना नहीं है। इसी को लेकर के कई बार खाने के पहले लोग एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु। वहां भुनक्तु का अर्थ खाना नहीं है। देखो ये उपनिषद के अध्ययन के पूर्व कहा गया शांति पाठ है, खाने के लिए नहीं है। लेकिन हमारा उपनिषद मध्य प्रदेश में है, अब क्या करेंगे। तो अश्नुते का अर्थ खाना ही नहीं, अश्नुते का अर्थ है व्याप्ति। अमृतम अश्नुते माने अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, खाना नहीं उसको अमृत मिल जाता है। तीन प्रकार के अमृत है आपको मालूम होगा, एक तो अमृत है अपने पृथ्वी पर जिसके द्वारा हमारा एक रोग शांत हो जाता है, और वो रोग है भूख का रोग। हम सभी को भूख का रोग लगा हुआ है। मुझे एक बार किसी ने पूछा स्वामी जी आप लेक्चर देते पूरे दुनिया में घूमते हो क्यों? हमने कहा पापी पेट के लिए, यदि मुझे कोई ऐसी सिद्धि दे दे कि मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, उसी क्षण से मैं बोलना बंद कर दूं। तो अपने ये जो क्षुधा रोग है उसको निवारण करने के लिए अन्न अमृत है। दूसरा अमृत वो है जो समुद्र मंथन करके देवताओं ने निकाला था और उसको लेकर के झगड़े हुए थे, दो दूसरा अमृत स्वर्ग का। और तीसरा अमृत है ये अमृत, यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो अमृत का तात्पर्य हो गया जिसको पहचानने के बाद व्यक्ति अपने अमृत स्वरूप को पहचान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है। देखो जो प्राप्ति हमको होती है जीवन में वो हमेशा ज्ञानात्मक होती है। देखो बहुत महत्व की बात है, इसीलिए जितने भी भोग है ये सभी के सभी भोग ज्ञानेंद्रियों से होते, कर्मेंद्रियों से भोग नहीं होते। तो जितने हमारे उपलब्धियां है वो सभी की सभी उपलब्धियां होती है ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, और इसीलिए यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब ये जानने की बात इतनी महत्व की है कि यदि हम इसको स्पष्ट समझ ले कि जो गेय तत्व जीवन में जानने योग्य क्या है, परमात्मा है, और परमात्मा को हम कर्म के द्वारा निर्माण नहीं कर सकते। परमात्मा के साथ चार पांच बातें नहीं होती। परमात्मा उत्पाद्य नहीं है, कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से किसी प्रकार से वो निर्माण नहीं होता, उत्पाद्य नहीं है।
उसके बाद आप्य नहीं है, आप्य माने जो पहले नहीं था अब मिल गया, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, भगवान संस्कार्य भी नहीं है, भगवान पर कोई संस्कार नहीं किए जा सकते क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है। जहां विकृति होगी वहां संस्कृति होगी, जहां विकार हो गए वहां संस्कार हो गए। और यह जो परमात्मा है यह किसी इंद्रियों का विषय नहीं है, इसीलिए इस तत्व को केवल पहचानना मात्र है। यह ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब देखो इसके बारे में एक कहानी बताते हैं भगवान शंकराचार्य एक ग्रंथ में। एक राजा का पुत्र था, उसको बचपन में चोर उठा के ले गए और उसको उठा के ले जाने के बाद वो बच्चा उन चोरों में ही बड़ा होने लगा। तो उसने सोचा कि मैं तो चोर का लड़का हूं तो चोरी करना मेरा धर्म है। अब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया और उसके बाद जब उसको पता चला कि असली में ये तो राजा का पुत्र है, चोर नहीं है, तो उसने किया क्या? कुछ नहीं किया, केवल अपने असलियत को पहचाना है। एग्जैक्टली यही कहानी आती है अपने भागवत महापुराण में। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनको शंबरासुर ले गया था। आप लोगों ने सबने भागवत सुन के रखा है इसलिए मैं शॉर्ट को बताता हूं आपको। तो शंबरासुर ले गया था और जब वो वहां चला गया उस कलावती के किचन में, तो वहां जाने के बाद उसने यही समझा अपने आप को कि मैं तो शंबरासुर का पुत्र हूं और वही समझने लगा। उसी प्रकार से वो उसी को शंबरासुर को अपना पिता मानता था और सब कुछ होता था। जब उसकी पत्नी ने रति ने जो वहां कलावती के रूप में रहती थी, जब वो 8-10 साल का हो गया, फिर बताया कि देखो कि असली बात यह है कि तुम भगवान कृष्ण के पुत्र हो। उसी समय उसका सब कुछ बदल गया। तो उसने कुछ किया नहीं उसके लिए। इसी प्रकार से हमको कुछ करके अपने आप को परमात्मा नहीं बनाना है। हम सभी के सभी परमात्मा स्वरूप है, केवल उसको पहचानना मात्र है। इसीलिए ये जो ज्ञान की साधना है ये सबके गले क्यों उतरती नहीं, इसलिए उतरती नहीं कि पहले ये जो 20 ज्ञान की बातें बताई है उसको करने का हम कभी प्रयत्न नहीं करते। जो कहते हैं ना कि ज्ञान कठिन है, ज्ञान कठिन है, ज्ञान कठिन नहीं है। कठिन तो वो है कि जिसको प्राप्त करने के लिए आपको देशांतरण करना पड़ेगा, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिसको उत्पन्न करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। यह देश काल वस्तु परिस्थिति और प्रयत्न इसकी अपेक्षा से रहित नित्य उपलब्धि है, इसको केवल पहचानना मात्र है। कहां कठिनाई है इसमें? इसीलिए नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। तो जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो उसके बाद ये शरीर, उसके संबंधी, उसका जन्म मृत्यु, उसके विकार, इसमें आने वाले राग द्वेष इच्छा, इन सब के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। यह प्रकृति के द्वारा अप्रभावित चेतन सत्ता के रूप में जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तब जाकर के अमृतम अश्नुते का अर्थ अपने गले उतरा है। तो नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। और यह जिसको प्राप्त होने के बाद इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है तो इसमें क्या क्या हो गई? पहली, भगवान ने प्रतिज्ञा करी, प्रवक्ष्यामि मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, विषय क्या है? गेयम। तो पहले प्रतिज्ञा हो गई, फिर विषय का प्रतिपादन हुआ गेयम। और उसका फल क्या है? फलश्रुति यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। उसका नाम क्या है? उसका नाम है परम ब्रह्म।
और उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है अनादिमत। और क्या उसके बारे में बताया जा सकता है? बोले न उच्चते, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली जो हमने क्षेत्र के बारे में देखा है उसका एकदम उल्टा है। तो हम प्रवक्षामि बताएंगे और ज्ञेय वस्तु को, जिसको प्राप्त होने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और यह जो परम ब्रह्म क्या है, अनादिमत। और अनादिमत परम इस शब्द को लेकर के दो तीन प्रकार के विचार साधु संतों ने दिए हैं। तो अनादिमत किसको कहते हैं? आदिमत माने जिसका प्रारंभ है। किसका प्रारंभ है? जगत का प्रारंभ है, जीव का प्रारंभ है, ईश्वर का प्रारंभ है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के सापेक्षता में है। जो वस्तु सापेक्षता में होती है वह संपूर्ण नहीं होती। दैट विच इज रिलेटिव कैनॉट बी एब्सोल्यूट। तो यह सापेक्षता के अस्तित्व को प्रारंभ होता है और सापेक्षता के अस्तित्व को अंत भी होता है। एक छोटी सी समझने की बात, हमारा जो प्रवचन है यह आदिमत है। 6 बजे शुरू हो गया, घबराना मत, 7:30 बजे निश्चित खत्म होगा। देखो, एक बार मुझे किसी ने पूछा था, दिल्ली की बात है, तो स्वामी जी आप एकदम डॉट टाइम पर आते हैं और एग्जैक्टली खत्म होने के बाद चले जाते हैं, इतना आप डिसिप्लिन क्यों रखते हो? क्योंकि कई बार महात्मा लोग आ गए, आने के बैठो, चलो अब भगवान का नाम लेंगे, हाँ श्री राम, जय जय राम, और आप आकर के धड़ाधड़ शुरू करके खत्म करके चले गए, ऐसा क्यों? हमने कहा इसका कारण ये है, एक बार लोगों को पता चल गया कि इनका प्रवचन शुरू होने के बाद बंद भी होता है तो लोग पहुंच जाते हैं, और एक बार इनको पता लगा कि पता नहीं बाबा जी का लेक्चर बंद होता ही नहीं, तो सभी के सभी श्रोतागण भगवान से प्रार्थना करते, भगवान इनकी बोली बंद करा दो, बहुत हो गया। तो आदिमत माने जो आदि और अंत युक्त है। तो जो प्रारंभ होता है, जिसका अंत होता है, ये है जगत। जगत की प्रत्येक वस्तु, उसका निर्माण नाश निश्चित है। तो अनादिमत क्या हो गया फिर? अनादिमत माने जो इस जगत के परे है, जो इस जगत का उपादान कारण होने के कारण, इस जगत का जो नाम रूपात्मक स्वभाव है, ये स्वभाव इसके स्वरूप को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। गहनों का स्वभाव क्या है? नाम रूप होना, और उसका स्वरूप क्या है? सुवर्ण होना। तो यह जो जगत है नाम रूपात्मक, इसका स्वभाव है, नाम बदलेंगे, रूप बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, लेकिन उसका जो स्वरूप है, अस्तित्व स्वरूप, वो कभी बदलेगा नहीं। तो अनादि मत का तात्पर्य हो गया कि यह परमात्म तत्व जिसके बारे में मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ये जगत नहीं है। तो जगत से ऊपर उठ जाओ, जगत से ऊपर जो उठेगा वही जगन्नाथ को पकड़ेगा। यदि जगत में ही फंसे हुए, जगत में हम कैसे फंसते हैं? एक प्रकार का जगत में फंसना ये है, अपने भूत को वर्तमान में खींचने का प्रयत्न, इसके द्वारा हम जगत में फंसते हैं। दूसरा प्रयत्न रहता है, कैसा हम भूत को वर्तमान में खींचने का प्रयत्न करते हैं, हम बूढ़े होने के बाद चाहते हैं हमारे इस पीढ़ी के बच्चे जैसे हम थे बचपन में वैसे होवे, और ये नहीं होता। उसके कारण फिर वहां सुबह से शाम तक वही, पता नहीं स्वामी जी कितना दुनिया बदल गई है, जब हम बच्चे थे तब ऐसा नहीं था। हमने कहा उनको, प्रभु
यही डायलॉग आपके मां बाप ने भी कहा है, कोई नई बात नहीं है। पहले के जमाने में जैसे आजकल लड़कियां बाल काटती है, तो बाल काटने पर के ये जो अपने हिंदू संस्कृति के संरक्षक है, एक बार ऐसे संरक्षक आकर के हमारा सर खा रहे थे, क्योंकि हमारे बाल तो है नहीं खाने के लिए, सर खा रहे थे। बोले स्वामी जी आप अपने इस लेक्चर में कुछ बताइए, वो हमको किसी स्कूल में ले गए थे लेक्चर के लिए, कि अपने संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। बोले ये लड़कियां जो है आजकल बाल काट लेती है। हमने देखो हिंदू संस्कृति बार्बर संस्कृति नहीं है, ये क्या बाल के पीछे पड़े हुए। बोले स्वामी जी इसी से तो अपने संस्कृति का नाश हो रहा है। हमने कहा मुझे बताओ आप अपने सर पर क्या रखे हो, कुछ नहीं रखे हो, नंगे सर हो। आपके जो पिताजी थे वो टोपी पहनते थे, और आपके पिताजी के जो पिताजी थे वो पगड़ी पहनते थे। एक एक पीढ़ी जैसे आगे गई, धीरे धीरे पहले पगड़ी चली गई, टोपी आई, टोपी चली गई, सर नंगा हो गया, और अगली पीढ़ी में सर ही नहीं रहेगा। तो ये हम अपने भूत को वर्तमान में खींचने का जो प्रयत्न करते हैं, इसी को कहते हैं जगत, और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। और वर्तमान को भविष्य में ले जाने की जो प्रक्रिया का दुराग्रह है, ये दूसरा है जगत का रूप। हम सोचते हैं आज जैसा है हमेशा वैसा ही रहे, तो आज कैसा है हमारा लड़का जब भी स्कूल से आता है, आने के बाद मम्मी मम्मी मम्मी, जब तक आएगा नहीं, हग नहीं करेगा, किस नहीं करेगा, मम्मी को एक एक बात बताएगा। मम्मी जब हम गए थे ना स्कूल में, मालूम है क्या हो गया, एक एक बात 2 घंटे मम्मी से बात करेगा। धीरे 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 वो बच्चा लड़का बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद वो माँ कंप्लेन करती है, स्वामी जी पहले मेरा कद्दू जब भी बाहर से आता था ना, छोटी छोटी बात मुझे बताता, अब मुझे वो अवॉइड कर रहा है। अब उसको पत्नी मिल गई, कौन तुम्हारे तरफ देखेगा। देखो ये जो है ना वर्तमान को भविष्य में खींचने की जो प्रक्रिया, इसको कहते हैं आदिमत जगत। यदि हम इसमें फंसे हैं तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए अनादिमत परम ब्रह्म, तो यह परमात्मत्व तो जो है अनादिमत है। और परम ब्रह्म केवल ब्रह्म नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्म शब्द का प्रयोग भगवद गीता में प्रकृति के लिए भी हुआ है। जैसे 14वें अध्याय में हम देखेंगे, वहां भगवान कहते हैं मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। तो ब्रह्म शब्द प्रकृति का भी वाचक है, इसीलिए परम ब्रह्म जो प्रकृति का अधिष्ठान है, प्रकृति हमेशा ब्रह्माश्रया होती है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यह अनादिमत परम ब्रह्म, तो अब इस जगत में ऐसा कौन है कि जो कभी परिवर्तन को प्राप्त नहीं हुआ, अनादिमत जो है, तो इसका एक ही सबको अनुभव आएगा। उत्तर कोई नहीं दे सकता, अनुभव बता सकता है, और ये अनुभव है अपना आपा। हमको कभी भी किसी को भी अपने प्रारंभ का ज्ञान नहीं है कि मैं यहां से प्रारंभ हुआ, और किसी को भी अपने अंत का ज्ञान नहीं है कि मैं यहां खत्म हो गया। यह जो आदि अंत रहित अनुभूति है, उसको यहां कहा है अनादिमत परम ब्रह्म। देखो इसमें वर्णन करने की बात ही नहीं है। जैसे हमने मोहन को बुलाया और सोहन आ गया, और हमने उसको काम दे दिया, दूसरे ने देखा देखो आपने तो मोहन को बुलाया था, इसने सोहन को क्यों दिया। अरे बाबा मोहन सोहन इसी के 2 नाम है। तो जिसको मालूम है कि मोहन को बुलाने के बाद सोहन आने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको यह मालूम है कि मोहन सोहन एक ही व्यक्ति के 2 नाम है। इसी प्रकार से जिसको इस तत्व की पहचान है, फिर चाहे उसको परब्रह्म कहो, चाहे उसको नारायण भगवान कहो, चाहे उसको शिवजी कहो,
चाहे उसको काली माता कहो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं यदि हमारी पहचान पक्की हो तो। और पक्की पहचान होती है केवल आत्मरूप से। यदि परमात्मा को हम अपने से भिन्न समझेंगे तो परमात्मा जड़ होगा, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूं। यदि हम परमात्मा को अपने से भिन्न समझेंगे तो परमात्मा परिच्छिन्न होगा, और जो जड़ परिच्छिन्न होगा वो आदिमत होगा, वो विनाशशील होगा। इसीलिए जब भगवान कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म, तो इसका अर्थ है अपना आपा, जिसका आज तक किसी को कोई भी अनुभव हो ही नहीं सकता कि मेरा अभाव था, मेरा अभाव है या मेरा अभाव होगा। इसीलिए एक चीज स्पष्ट समझ लेना भैया, अपने देह के विकारों को लेकर के अपने आप पर तरस मत खाना। एक बार अष्टावक्र महाराज जनक जी के दरबार में गए तो वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। अष्टावक्र जी जन्म से ही सिद्ध पुरुष थे और उनको उनके पिताजी ने शाप दिया था, इसीलिए वो 8 जगह टेढ़े हो गए थे। भगवान कृष्ण से 3 गुने, भगवान कृष्ण 2.5 जगह है ना, 3 गुने। तो जब अष्टावक्र जी पहुंच गए वहां जनक महाराज के दरबार में, तो सभी वहां के ज्ञानी लोग उनको हंसने लग गए। अच्छा, अब ये लड़का आया है, उस समय अष्टावक्र महाराज टीनेजर थे और वो बड़े बड़े बुढ़ाओ ज्ञानी वहां बैठे हुए थे। तो जब वो हंसे कि अब ये लड़का क्या उत्तर देगा, तो उन्होंने कहा कि राजा, मुझे लगा तुम्हारी यहां विद्वत सभा है, लेकिन यहां सभी के सभी चमार इकट्ठे हो गए क्योंकि चमड़ी को देख रहे हैं। देखो कितनी सत्य बात है, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक के दुनिया में बाटा का दर्शन होगा। इसीलिए अनादिमत परम ब्रह्म, और ये क्या है, न तत्सदुच्चते न असदुच्चते। इसमें जो अन्वय करना है वो ठीक से करना। इसमें ऐसा नहीं कहा कि ये जो अनादिमत परम ब्रह्म है, न सत न असत, आहा, ये जो न है उच्चते के साथ जाता है, सत न उच्चते असत न उच्चते, इसको सत भी नहीं कहा जाता, इसको असत भी नहीं कहा जाता। क्योंकि पहले भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी, मैं तुमको परमात्मा के बारे में ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं और तुम्हारी आत्म साक्षात अनुभूति होके ही रहेगी। अब अपने बारे में बोल के दिखाओ। जो भी व्यक्ति अपने बारे में बोलता है, कैसे बोलता है, भूत को लेकर के। एक बार हमने आपको कहानी बताई थी शायद, एक बार एक सज्जन, हम उस समय जा रहे थे दिल्ली से बंबईया कहें तो भी ऐसे, और बैठे टू टायर में, एसी टू टायर में, कोई भीड़ भाड़ थी नहीं और विंटर का समय था, और बैठने के बाद वो सामने बैठे काफी लंबे चौड़े थे, तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप क्या करते हो? तो हमने कहा, हम कुछ करते तो स्वामी जी थोड़ी बनते, हम बेकार है, आप बताओ अपने बारे में, आप कौन हो क्या हो। बस उनको तो चाबी मारने की बात थी। शुरू हो गया, 1857 में हमारे दादाजी काबुल में चने बेचते थे, जो शुरू हो गया, ये हुआ ऐसा हुआ तैसा हुआ ये हुआ कर करा करके, फिर अब हम बंबई में सेटल हो गए, हमारे वहां बीवी बच्चे सब कुछ है, और पिछले बार मुझे स्ट्रोक हो गया, उसके बाद यहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो मुझे सूट नहीं होता, तो मेरे बच्चों ने कहा कि पापा आप दिल्ली जाके रहो, वहां ठीक रहेगा, इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो मैं उनको हाँ 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 करता रहा। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि उन्होंने टिकट निकाला और यहां आके बैठे। उसके बाद हम लोग ने शुरू किया बोलना, उसके बाद फिर आपने पूछा, फिर क्या हुआ, मैंने बताया, फिर जहां आप वर्तमान में आ जाओ चुप हो जाओगे।
देखो, जो व्यक्ति अपने वाणी को बंद करता है उसने अपने जीवन के भूत का भूत दफना दिया है। जितना भी हम बोलते हैं वो केवल इस भूत को ही लेकर के बोलते हैं। ईगो, ईगो किसको कहते हैं? ईगो इसी को कहते हैं, अपने पूरे भविष्य भूतकाल का जो इकट्ठा बोझा सर पर लेके चलते हैं उस अभिव्यक्ति को ईगो कहते हैं। और इसीलिए देखेंगे आप, छोटा बच्चा होगा तो उसका भूतकाल 6 इंच लंबा, और बुढ़ाऊ होगा 75 नॉट आउट, तो उसका भूतकाल इतना लंबा। तो जितना ज्यादा भूतकाल उतना ज्यादा ईगो, जितना ज्यादा ईगो उतना उसका मान अपमान, उतना सुख दुख। देखो, इसीलिए सबसे बड़ी श्रेष्ठ साधना यह है, जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना परमात्मा के करीब रहते हैं। अनादि मत परम ब्रह्म तत् सत न उच्चते। तो ये परमात्मा का वर्णन नहीं है, ये तो अपने अनुभूति का अनुवाद है। देखो, अब अपने बारे में क्या बताओगे कि मैं हूं या नहीं हूं? अभी मैं कहा गया था, सिक्किम गया था, और वहां बहुत इंटीरियर चले गए हम। जो गांगटोक है वहां से कोई 50-100 किलोमीटर, बिल्कुल वहां चलना भी मुश्किल है, ऐसे स्थान पर गए। बहुत बढ़िया सुंदर पवित्र स्थान था, बड़े बड़े साधु और संतों ने वहां तपस्या करी है। तो वहां हम जाकर के 4-6 दिन रहे। तो कोई एक स्थान देखने के लिए गए थे, वहां से लौट करके फिर अपने होटल में जाना है। तो वहां जैसे हम गए, अपना वहां दर्शन वर्शन कर लिया, और आकर के एक ऐसे किसी झोपड़ी में चाय पी रहे थे। तो वहां 1, 2, 3, 4, 50 लोग आके पहुंचे, और उसमें से एक ने पूछा, एक्सक्यूज मी, आर यू स्वामी अनुभवानंद? तो मैं चुप रहा, बोला नहीं। तो दूसरे ने कहा, है ये कैसे अनुभवानंद हो सकते, वो तो बंबई वाले, ये कहां से टपकेंगे यहां? मैं दोनों को सुन रहा हूं, लेकिन बोला कुछ नहीं मैंने। तो मेरे साथ जो थे, अब उनको चुप रहना था, लेकिन वो चुप रहेंगे तो हमारे साथ काहे को चलेंगे? वो तो हमको सुनाने के लिए हमारे साथ लोग जाते हैं, क्योंकि फ्री में सुनने वाला मिलता है। तो उन्होंने कहा, यस यू आर राइट, ही इज स्वामी अनुभवानंद। फिर शुरू हो गया, स्वामी जी हाँ बंबई के है ना, आमी पण मुंबई चे। तो शुरू वहां भी बंबईया पहुंच गए, और वहां जाने के बाद फिर अब हम लोग यहां बैठे, कुछ हमको लेक्चर दीजिए। अब देखो, मैंने उनको कहा कि आपने जो पूछा मैं अनुभवानंद हूं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब बताओ, मैं कह सकता हूं क्या कि मैं अनुभवानंद हूं या नहीं हूं? क्योंकि हूं या नहीं हूं ये दोनों एक दूसरे की सापेक्षता में है। जैसे मेरे हाथ में ये पुस्तक है, उसके बाद ये पुस्तक यहां से हम निकाल दी, अब मेरे हाथ में पुस्तक नहीं है, माने ये जो पुस्तक नाम की वस्तु है ये दो प्रकार से हमको ग्रहण होती है, अस्ति भाव से और नास्ति भाव से। देखो, क्या इसी प्रकार से हम अपने बारे में कह सकते हैं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? इसीलिए जो शब्दों के द्वारा ऐसा वर्णित नहीं होता कि जो है या नहीं है, दोनों भी वचन जिसके बारे में फेल हो जाते हैं, वह वस्तु जानने योग्य है। और ये वस्तु केवल एक है, और वो है अपना अनुभव। देखो, यह किसका अनुभव नहीं है? जैसे अभी हम लोग कहेंगे हमको लेक्चर का अनुभव हुआ था, बड़ा बोरिंग रहा, लेकिन कभी हम यह कह सकते क्या
कि मैं जो अनुभव स्वरूप हूं, तो पहले लेक्चर का अनुभव, उसके बाद खाने को बैठे खाने का अनुभव, उससे तो लेक्चर अच्छा था। अब देखो, तो ये जो अनुभव के विषय बदलते जाएंगे, लेकिन अनुभव अखंड है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है अनुभव, जो सभी के साथ रहता है और इसलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता। देखो कितनी सरल बात भगवान ने कह दी। और इस बात में यदि हमारी निष्ठा नहीं होती तो क्या करें? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। यह जो 20 पॉइंट फार्मूला दिया है, इसकी साधना अपने जीवन में अखंड जारी रहे। देखो, यदि वेदांत के वस्तु का प्रतिपादन होते समय हमको उसका अनुभव नहीं आया, तो समझ लेना हम अधम अधिकारी है। अधिकारी है लेकिन अधम, क्योंकि धम धम में फंसे हुए। इसलिए यहां उधारी का धंधा नहीं है, यहां देशतः अभी कालतः। और इसी परिस्थिति में यदि हमको अपने स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाए, फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, जैसे हमने दूध को पहले गर्म किया, फिर थोड़ा ठंडा किया, और फिर उसमें वो जो थोड़ा दही डाल दिया, उसके बाद उसको मथा, फिर उसमें से मक्खन निकाला, और मक्खन निकालने के बाद उसको गर्म किया, उसमें से घी निकाला। एक बार घी निकाल लो तो फिर उस घी को दूध में घुसा नहीं सकते। इसी प्रकार से एक बार अपने स्वरूप को पहचान लो, फिर इस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति की विकृति का प्रभाव हम पर नहीं होगा। यही है जीवन मुक्ति का आनंद, और ये किसी क्रिया का फल नहीं है, ये किसी उपासना का फल नहीं है, ये किसी योग का फल नहीं है, ये केवल हमको पहचानना मात्र है। लेकिन जब तक हम देह में फंसे हैं, अपने अंतकरण में मन में फंसे हैं, अपने अहंकार में फंसे हैं, तब तक हमको कर्मयोग करना है, उपासना करनी है और योगाभ्यास करना है, और पूरा जीवन उसी में चला जाएगा। इसीलिए जो ज्ञान साधना की बात इस 13वें अध्याय में भगवान ने दी है, ये सब के लिए है। और इतनी सरल सहज बात है, जितना इसका हम सूक्ष्मता से स्पष्टता से अनुभव करेंगे उतनी ये बात पक्की हो जाएगी। तो अनादि मत परम ब्रह्म न तत्सत न असद उच्चते। यहां ज्ञान का प्रसंग है इसलिए ऐसा कहा। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था सदसच्चा हम अर्जुन, भगवान को अपनी वाणी को बदलने में टाइम नहीं लगता। एक क्षण में एक बार कहेंगे स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, दूसरी बार कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं चरणं व्रज। तो पहले भगवान ने कहा कि सद सच्चा हम अर्जुन, हे अर्जुन सत असत दोनों मैं हूं। और यहां कहते ना तो मुझे सत कह सकते हो ना तो असत कह सकते हो। अब हो गया ना गड़बड़ घोटाला झाला। इसलिए यह ज्ञान का प्रसंग है, इसलिए इस प्रकार से इसका प्रतिपादन हुआ। वहां प्रसंग था भक्ति का, तो सत माने जिसको हम अस्तित्व के रूप में ग्रहण करते हैं और जिसको अभाव के रूप में ग्रहण करते हैं, सब कुछ भगवान ही है। भगवान को छोड़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इस प्रकार से यह निर्गुण निराकार तत्व का प्रतिपादन भगवान ने किया, और निर्गुण निराकार तत्व का केवल अनुभव ही हो सकता है, और वो हो सकता है आत्म रूप से, अनात्म रूप से नहीं हो सकता। ये होने के बाद अब
इससे आगे जल करके 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब ये जो अनादि मत परम ब्रह्म है, इसको हम कहां देखें, कहां पहचाने? तो पहले कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत्। इसके दो प्रकार का वर्णन आता है, ये भगवान का सगुण साकार का वर्णन है। तो जहां जहां आप पैर देखोगे, हाथ देखोगे, सर देखोगे, आंख देखोगे, कान देखोगे, उन सब के पीछे वो खड़ा है। तो पहले तो हम दूसरे के आंख कान नाक देखने के पहले अपने आंख कान नाक देखें। तो जो आंखों के द्वारा रूप रंग का दर्शन करता है, लेकिन जो रूप रंग में फंसा नहीं, जो आंखों के पीछे है, ऐसा धीरे धीरे करके देखेंगे तो पता चलेगा सभी आंखों के पीछे एक ही रोशनी है। इसीलिए सर्वतः पाणिपादम तत्। तो जितने भी हाथ पैर माने, सभी के सभी हाथ पैर उसी के हैं। अब देखो, यदि हमने इसको समझ लिया कि सभी के सभी हाथ पैर उसके हैं, तो जब जिसको भी हम पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे, तो अपने आप याद हो जाएगी परमात्मा। देखो, हमको अब कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना। सर्वतः पाणिपादम तद सर्वतः अक्षी चिरो मुखम। तो जितनी आंखें सर मुख है, वो सभी उन्हीं का है। तो माने जहां जहां हमको उपाधि नजर आती है, सभी उपाधि का आधार एक ही तत्व है। इसको लेकर के ऐसा समझो, जैसे हमको भूख लग गई। हमको भूख लगने के बाद जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कैसी तसल्ली होती है, आहा मजा आ गया, अन्नदाता सुखी भव। ये आशीर्वाद कहां से निकला? जब मध्य प्रदेश शांत हो गया तब। इसी प्रकार से जब किसी की भी भूख शांत होने के बाद उतना ही यदि आनंद आवे, तो समझ लेना धीरे धीरे हमने इस श्लोक को समझना शुरू कर दिया है। देखो, ये कठिन नहीं है। हम लोग नहीं करते क्या, अपने बच्चों को लेकर के कोई वस्तु समझो हमको कहीं मिली और पता है कि अपने बच्चे को अच्छी लगती है, तो हम अपने जेब में ले जाएंगे, घर जाने के बाद उसको देंगे, और जब वो बच्चा उस वस्तु को लेकर के खा के खुश होता है, तब हमको कितनी खुशी होती है। गया उसके पेट में, खुश हम हो गए। तो जैसे उसके पेट के भूख के साथ हमने तादात्म्य करके उसका अनुभव किया है, उसी प्रकार से सभी आंखें, सभी हाथ, सभी पैर, उसमें जो एक तत्व है, उसको यदि हमने पहचान लिया, तो किसी के भी प्रति राग द्वेष की निर्मिति नहीं होगी। और जैसा हमारे अपने देह के जो हाथ पैर है, उनके प्रति जैसा आदर है, वैसा ही आदर सबके प्रति होगा। इसीलिए यदि हम इस निर्गुण निराकार तत्व को आत्मरूप से पहचानने में इस क्षण सक्षम नहीं है, तो कोई बात नहीं, दूसरी प्रकार की साधना बताते हैं। जैसे हमने 12वें अध्याय में देखा ना, पहले भगवान ने कहा कि मई एव मदाधस्व मई बुद्धिम निवेशय, अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा। लेकिन क्या है भगवान, ये तो ठीक है, लेकिन हमारा जो मन है ना, चुप रो मत, फिर अभ्यास न तथा अभ्यास करो। लेकिन हम अभ्यास करते तो परीक्षा में पास नहीं होते, अभ्यास तो हम कभी किए ही नहीं। तो ठीक है, मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो। हम तो अपने लिए भी नहीं करते, आलसी है, क्या आपके लिए करे। तो सर्व कर्म फल त्याग ततक कुरु यदात्मवान। तो जैसे चार उन्होंने ऑप्शंस दिए, यहां भगवान ऑप्शन दे रहे। पहली रियल चीज जो है, ये है अनादिमत परम ब्रह्म, न सत्य न तत्सत न असद उच्चते। अब दूसरी स्टेज पर आए, यदि उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम बहिर्मुखी है, क्योंकि अभी हम अपने इंद्रियों में बैठे, तो कहते हैं सभी इंद्रियों के पीछे जो एक तत्व है, वहां अपने आप को लगाए,
और इसलिए शब्द है सर्वतः श्रुतिमल लोके। लोक का अर्थ है अनुभव का क्षेत्र, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। तो लोके माने अपने प्रत्येक अनुभव के क्षेत्र में। हमको अनुभव किससे आते हैं? अपनी इंद्रियों से आते हैं, अपने मन से आते हैं, अपने बुद्धि से आते हैं। तो अपने प्रत्येक अनुभव के पीछे जो है सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सभी को प्रकाशित करते हुए उसके परे है, केवल उतना मात्र नहीं है। जैसे समझो हमने सुवर्ण के आभूषणों को लेकर के सुवर्ण को समझा, ये जिसको हम बाजार में जाके खरीद के लाए, इसकी इतनी सारी कीमत है, इसका नाम है नेकलेस, हेडलेस। तो ये जो नेकलेस है ये इस समय पहनते हैं, यदि शादी में जाना हो चारों तरफ से सिक्योरिटी हो तो असली पहन के जाना है, और पब्लिक को दिखाने में मार्केट में जाना हो तो इमिटेशन ज्वेलरी मिलती है उसको पहन के जाना है। इमिटेशन ज्वेलरी सस्ती होती है, ये महंगी होती है, इसको कहते हैं सुवर्ण। आ गया समझ में? आ गया। यदि हमारी समझ ऐसी हो कि केवल उस नेकलेस के रूप में ही सुवर्ण है, उसके परे नहीं है, तो हमारा सुवर्ण का ज्ञान अपूर्ण हुआ। वो तो केवल एक उदाहरण दिया था समझाने के लिए। उसी प्रकार से यहां जो उदाहरण दिया है, सर्वत पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके। तो अपने प्रत्येक अनुभव के क्षेत्र में जो अनुभव को सिद्ध करता है वह परमात्मा है। माने ही केवल अपना अनुभव नहीं, सभी के अनुभवों में, और इसीलिए आवृत्य तिष्ठति। आवृत्य माने व्याप्त हो करके। अब देखो कितनी सत्य बात है, हमने किसी वस्तु के उपलब्धि को ग्रहण किया, जैसे पुस्तक को देखा, पुस्तक के अभाव को देखा, तो जो पुस्तक के अभाव और भाव इन दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो पुस्तक के भावा भाव के परे है, इसी को कहते हैं सर्वम आवृत्य तिष्ठति। इसी प्रकार से अंतकरण में मन में सुख दुख के भाव आते हैं, तो सुख को भी प्रकाशित करता है, दुख को भी प्रकाशित करता है, लेकिन है कौन? वो सुख दुख के परे है, इसीलिए सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कभी कभी बात तुरंत समझ में आ जाती है बुद्धि के द्वारा, कभी कभी नहीं आती। स्वामी जी कभी च नहीं आती। तो ये सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इनके सबके पीछे जो है वह परमात्मा है। इसीलिए यह भगवान का सगुण साकार रूप हम सबको दिया है। आगे जाकर के कहते हैं, अब ये जो तीसरी स्थिति है इसको कहते हैं अध्यारोप अपवाद पद्धति। ये सब हमारे वेदांत की भाषा है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी के सभी इंद्रियों में जो गुण है, आंखों का गुण है रूप रंग को प्रकाशित करना, और कानों का गुण है अपने शब्दों को श्रवण करना, रसना का गुण है कि स्वाद को ग्रहण करना। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों में जो उनकी उनकी शक्ति है, उस शक्ति के रूप में ये परमात्मा उपलब्ध है, लेकिन उसमें सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, लेकिन परमात्मा में एक भी इंद्रिय नहीं है। देखो इसको ऐसा समझ लो आप, जितने भी बिजली के उपकरण है, उन सभी बिजली के उपकरणों में से बिजली की भिन्न भिन्न प्रकार की उपलब्धि हो रही है। बल्ब में से प्रकाश रूप से बिजली की अभिव्यक्ति हो रही है, उसके बाद फैन में से मैग्नेटिज्म की अभिव्यक्ति हो रही है, फिर अपने फ्रिज में से ठंडक की अभिव्यक्ति हो रही है, हीटर में से गर्मी की अभिव्यक्ति हो रही है, ये माइक में से आवाज की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन बिजली में इन सब का अभाव है, बिजली के सिवा इनका काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार से जो परमात्मा है वही सभी इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन
परमात्मा के दृष्टि से देखें तो परमात्मा में इंद्रियों का होना न होना एक मायना रखता है। जैसे यदि किसी बल्ब को सॉकेट में से निकाल दिया जाए तो उसका प्रभाव बिजली पर नहीं पड़ता, यदि कोई बल्ब फूट जाए तो उसका प्रभाव बिजली पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हम सबका यही अनुभव है, यदि किसी की आंखें चली गई फिर भी वो जानता है कि अब मुझे दिखने को नहीं आता। तो ये जो तत्व है अपने इंद्रियों के ज्ञान को और उसके अभाव को दोनों को जो प्रकाशित करता है ये इंद्रिय के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, इसको कहते हैं अध्यारोप अपवाद। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम और असक्तम सर्वभृच्चैव, सर्वभृत माने सबको आधार देने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, सबको सत्ता प्रदान करने वाला। तो जो सबको सत्ता प्रदान कर रहा है लेकिन किसी में भी आसक्त नहीं है, ध्यान से सुनना, हम लोग अपने बच्चों को सत्ता प्रदान करते हैं। कैसे? स्कूल में गए तो नाम लिखा कि अशोक कुमार करोड़ीमल टोपी वाला, तो आप करोड़ीमल के पुत्र हैं। हां जी, तो हमने अपने बच्चे को सत्ता प्रदान करी। सत्ता प्रदान करने के बाद अशोक हो गए अशोक कुमार और फिल्म में जाकर के एक्टिंग करना चाहते, और हम कहेंगे नहीं, हमारे यहां सभी के सभी संस्कृत के बड़े पंडित रहे, कहां तुम फिल्म में जाते हो, तुम तो मेरा नाम बदनाम कर दोगे, मेरी नाक काट दोगे। तो हम क्या हो रहे, हम अपने बच्चे को सत्ता प्रदान किए हैं लेकिन उसमें इतने आसक्त तो हो गए कि बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी तो उससे मेरी नाक कटेगी, इसीलिए हिंदी सिनेमा का डायलॉग, तू मेरे लिए कोई नहीं मैं तेरे लिए कोई नहीं, और वहां एक स्टेप होती है वहां खटखटखट ऊपर चले जाता है डैन डैन। तो हम सत्ता प्रदान करते हैं और उसमें आसक्त तो होते हैं। यहां भगवान कौन है? सर्वभृच्चैव असक्तम। जैसे सुवर्ण सभी आभूषणों को आधार देता है लेकिन किसी भी आभूषण में आसक्त नहीं, जैसे समुद्र सभी लहरों को आधार देता है लेकिन किसी भी लहर में आसक्त नहीं है। ध्यान से सुनना सभी लोग, इंद्रिय हमारे सभी रूप रंग को आधार है लेकिन किसी रूप रंग में आसक्त नहीं है। हमारे कान सभी शब्दों का आधार है लेकिन किसी शब्द विशेष में आसक्त नहीं है। यदि हमारे कान किसी शब्द विशेष में आसक्त होते तो हमको बाकी के शब्द सुनने को ही नहीं आते। जैसे समझो मैं अपने आंखों से एक लाल रंग देख रहा हूं और यदि इसमें मेरे आंख फंस गई चिपक गई तो बाकी किसी का दर्शन नहीं होगा। तो हमारे इंद्रियों में आसक्ति नहीं है, मन में तो आसक्ति है ही नहीं, इसीलिए तो दो दो मिनट में मन जो है कितने विषयों का चिंतन करता है। मन में आसक्ति नहीं, इंद्रियों में नहीं, बुद्धि में तो सवाल ही नहीं। जिसको पहले हमने इतना महात्म्य दिया था वही अब घट गया। इसीलिए पहले लव होता है, फिर मैरिज होता है, फिर झगड़ा होता है, क्योंकि जिसको पहले लव किया था और उसका गलती ये करी कि मैरिज किया और मैरिज के बाद फिर झगड़ा होना ही है। ये जो बुद्धि का जो तारतम्य है महात्म्य का वो भी बदलता है, तो बुद्धि में भी आसक्ति नहीं है। और इन सब के पीछे रहने वाला जो चैतन्य है वह जागृत को भी प्रकाशित करता है, स्वप्न को भी प्रकाशित करता है और सुषुप्ति को भी प्रकाशित करता है, लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसी में भी आसक्त नहीं है। ऐसा जो आसक्ति रहित सबको ज्ञान सबको सत्ता प्रदान करने वाला जो तत्व है वो अपनी असलियत है, उसको पहचानो।
देखो कितनी सरल बात भगवान बताते। तो असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच, गुण का तात्पर्य है रस्सी। तो यह जो परमात्मा तत्व है इसमें कोई रस्सी नहीं है किसी को बांधने की। हम लोग बंधे जाते हैं गुण भोक्तृच, निर्गुणम गुण भोक्तृच, गुण भोक्तृ माने गुणों का भोग करने वाला। तो किसी प्रकार से रस्सी के द्वारा हम अपने आप को जगत के साथ नहीं बांध के रखते। इसीलिए जब देखो ना, जब व्यक्ति का मृत्यु समय नजदीक आता है ना, जिसको कहते हैं प्रिमोनियम, व्यक्ति को पता लगता है कि अब अपना सिनेमा खत्म होने वाला है, तो धीरे धीरे अपने आप सब जगत से मन अब उपरत होने लग जाता है। किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्यों कि अब इसमें मन नहीं लगता, अब वो अपने घर लौटना चाहता है। ये बात मरने के ही समय की नहीं, रोज की है। जब हमारा मन जगत से उचट हो जाता है तो हम सोना चाहते हैं। सोना माने क्या, अब हम इससे उपरत होकर के अपने घर लौट आए। इसीलिए निर्गुणम, किसी भी प्रकार के गुणों के द्वारा प्रभावित न होते हुए भी सभी गुणों का मानो भोग कर रहे हैं। तो देखो हमारे वेदांत शास्त्र में परमात्मा में या प्रकृति में गुणों को स्वीकार नहीं किया है। ये जो तीन गुण और प्रकृति जो है ना, यह सांख्य सिद्धांत को समझाने के लिए थोड़े समय के लिए स्वीकार किया है। जो वेदांत शास्त्र है उसमें प्रकृति उसके गुण इसको स्वीकार नहीं किया है। परमात्मा में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं। तो क्योंकि गुणों को आज तक किसने देखा नहीं, गुणों का केवल अनुमान निकाला जाता है। द्रव्य को देख करके उसका जो कारण है उसको हम कहेंगे तमोगुण, जो क्रिया है उसको देख करके उसका जो कारण है उसको कहेंगे रजोगुण, और जो ज्ञान है उसको देख करके उसका जो कारण है उसको कहेंगे सत्वगुण। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान है ये तब सिद्ध होता है जब आपने उसको देखा है। जैसे हमने अग्नि के साथ धुएं को देखा है, तो ये जब अग्नि धुआं जब दोनों को देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक व्याप्ति निर्माण हो जाएगी कि धुआं होगा तो वहां अग्नि का होना संभव है। इस प्रकार से जब अनुमान निकालते हैं तो अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होता है, उसके सिवा नहीं होता। तो जो हम ये अनुमान निकालते हैं, द्रव्य को लेकर के अनुमान निकाला तमोगुण इसका कारण है, क्रिया को लेकर के अनुमान निकाला कि रजोगुण इसका कारण है, यह जो विचार प्रणाली है ये वेदांत शास्त्र को स्वीकृत नहीं है। इसीलिए परमात्मा में किसी प्रकार का सत्व रजस तम प्रकृति उसके विकार इत्यादि है ही नहीं, इसीलिए निर्गुणम। और फिर भी गुण भोक्तृच, सभी प्रकार के गुणों के जितने भी विकार बताए जाते हैं उसके माध्यम से उसको सपोर्ट करते हुए भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो इसमें तीन बातें बताई, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ये हो गया चैतन्य का विवर्त। चित जो है ज्ञान जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो जो ज्ञानम है चित है इसका विवर्त है ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि। उसके बाद जो सद वस्तु है उसका विवर्त है असक्तम सर्वभृच्चैव, और जो आनंद स्वरूप है उसका विवर्त है निर्गुणम गुण भोक्तृच। तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा पर ये तीन चीजें अध्यारोपित की है। वास्तव में देखा जाए तो कुछ नहीं, जैसे पानी पर हमने समुन्दर और लहरें दोनों को अध्यारोपित किया है, और जो कार्य कारण भाव निर्माण करते हैं वो कहते हैं कि समुन्दर कारण है और लहरें कार्य है। लेकिन पानी के दृष्टि से देखो ना तो समुन्दर नाम की कोई चीज है ना तो लहरें नाम की कोई चीज है। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से परमात्मा को यदि देखो तो वहां केवल सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन,
परम व्योम जो चिदाकाश है उसमें जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं तो वहां किसी भी प्रकार के द्वैत के अनुभूति का लांछन नहीं होता। इस प्रकार से देखो कि कैसा विषय सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहा है, और ये सूक्ष्म विषय को समझने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि किस कौन सी होती है? एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में एक अम्मा पहुंच गई और उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आप तो बड़े हैं, आप तो स्थूल बुद्धि वाले हैं, हम लोग तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, अब हमको क्या समझ में आता है? माने स्थूल और सूक्ष्म का भेद भी मालूम नहीं, अब उनको क्या सिखाए? तो जितनी बुद्धि की सूक्ष्मता होगी उतनी ये बात समझ में आएगी। और ये होने के बाद अब 15वें श्लोक में एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। हमारे ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आता है, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस मंत्र का अनुवाद भगवान कृष्ण ने इस मंत्र में किया है। बहिरंतश्च भूतानाम, भूत माने जो होते हैं उसको भूत कहते हैं, हम सभी भूत हैं। बहिरंतश्च अंदर बाहर वही है। देखो अंदर बाहर ये केवल मानसिक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। और जब तक के हमारे मन में अंदर बाहर ये कल्पना बैठी हुई है तब तक के हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ। देखो सुषुप्ति अवस्था में जहां हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता वहां ये कल्पना का उदय नहीं होता कि हम कमरे के अंदर सो रहे हैं कि कमरे के बाहर सो रहे हैं। उस समय यह अनुभव नहीं होता कि हम बिस्तर के नीचे है कि बिस्तर के ऊपर है। उस समय यह अनुभव नहीं होता कि हमारे पैर दक्षिण को है कि उत्तर को है, क्योंकि वहां अंदर बाहर ये जो कल्पना है ये अपने चमड़ी की जो लाइन है उसको लेकर ही इस कल्पना का जन्म होता है। इसीलिए जैसे देखो हमारा ध्यान जब उपाधि पर होगा तो हम अंदर बाहर की बात करेंगे। जैसा हम लोग यहां बैठे हुए तो हम कहेंगे हमारे जेब के अंदर में कागज है, जेब के अंदर में कागज है, और पुस्तक जेब के बाहर है। तो ये अंदर बाहर इसका आधार क्या है? इसका आधार है जेब की उपाधि। यदि जेब की बात बीच में मत लाओ तो अंदर बाहर का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग इस कमरे के अंदर है और कुछ लोग कमरे के बाहर है। तो ये अंदर बाहर ये कहां से आया? ये आया क्योंकि हमारा ध्यान कमरों इस कमर के कमरे के दीवाल पर है ना? तो जहां हमने इस कमरे के दीवाल का निराकरण कर दिया तो क्या हो गया? अंदर बाहर खत्म हो गया। आप लोग बंबई के करते हो ना, क्योंकि हरे का घर एक छोटी मैच बॉक्स जैसी है, उतने भी जगह बढ़ानी है तो बंबई का आदमी क्या सोचेगा? एक खिड़की को तोड़ करके जो कचड़ा है बाहर का इसको कर देंगे, उसको कमरे के अंदर कर लेंगे तो कमरा बड़ा हो जाएगा। माने उपाधि को ही हमने छुआ है। तो बहिरंतश्च भूतानाम, जब तक हमारा देह के साथ तादात्म्य है तभी तक अंदर बाहर है। जहां ये तादात्म्य समाप्त हो गया अंदर बाहर का गड़बड़ खत्म, और यही तत्व है जिसमें अंदर बाहर कुछ नहीं है। बहिरंतश्च भूतानाम और अचरम चरमेव च, वही चलता है उपाधि के माध्यम से। असल में देखा जाए तो वो नहीं चलता। एक स्थूल उदाहरण ले लो, हम लोग यहां कैसे आए?
तो हम कहेंगे हम यहां आगे कार में बैठ के। भाई साइंस ने बड़ी प्रगति करी है, क्या करी साइंस ने प्रगति, आप बैठ के आगे। नॉर्मली आदमी बैठने के बाद तो उसी जगह रहता है, आप यहां गए कैसे पहुंचे? अरे बाबा बैठे हम, लेकिन जिस उपाधि में हम बैठे थे वो उपाधि चल रही थी, इसीलिए उपाधि की जो गति है वो गति मुझ पर लागू हो गई। यदि मैं कार के बाहर बैठूं और कार चली जाए, देखो उसी प्रकार से जब हम इस उपाधि के साथ बैठे हैं तो उसमें जो चलन वलन परिवर्तन विकृति है वो हम पर लागू होगी, और यदि उसके निकल जाए परे तो अचरम एवच, माने उपाधि सहित और रहित वही तत्व है। तो बहिरंतश्च भूतानाम चरम अचरम एवच सूक्ष्म और दूरस्थम च अंतिके च तत्, और वही परमात्म तत्व दूर भी है और नजदीक भी है। कैसे? एक दो प्रकार से देखें। हम लोग सभी पृथ्वी को नजदीक समझते क्योंकि पृथ्वी पर बैठे हैं। पृथ्वी से बड़ा परे है पानी, पानी से परा है अग्नि तेज तत्व, तेज से परा है वायु तत्व, वायु से परे है आकाश तत्व, आकाश से परे है अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से परे है बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व से परे है महत तत्व, महत तत्व से परे है प्रकृति, और प्रकृति से परे है पुरुष, इसीलिए साकाष्ठा सा परागति। अरे बाप रे, माने परमात्मा के पास पहुंचने के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा। हां जी बहुत दूर है, दूरस्थम अंति के चतत, अपने देह से अपने प्राण अपने नजदीक है, अपने प्राण से अपना मन अपने नजदीक है, अपने मन से अपनी बुद्धि अपने नजदीक है, अपने बुद्धि से मैं अपने सबसे नजदीक हूं। अब देखो, यदि अनात्म भाव से परमात्मा को प्राप्ति करने का प्रयत्न करोगे दूर है, और आत्म भाव से समझोगे तो बहुत नजदीक है। देखो ये केवल समझने का भेद है और कुछ नहीं। इसीलिए जो बहिरंतश्च भूतानाम चरम अचरमेव च सूक्ष्मत्वात्, और ये ऐसा होने के बाद समझ में क्यों नहीं आता? अविज्ञेयम्, इसीलिए कि सूक्ष्मत्वात् अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का तात्पर्य क्या है? जिसमें जितने गुण कम होते हैं वो उतना ज्यादा सूक्ष्म होता है। पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पानी में आ जाते हैं शब्द स्पर्श रूप रस, पानी में गंध नहीं होता, बंबई का पानी छोड़ के शब्द स्पर्श रूप रस 4 हो गए। अग्नि में आ जाते हैं शब्द स्पर्श रूप रस नहीं होता अग्नि में, इसीलिए होटलों में गरम गरम खाना देते हैं ताकि जिह्वा जल जाए तो चक्कर ही नहीं अच्छा है कि बुरा है। तो शब्द स्पर्श रूप 3 ही गुण हो गए। फिर हम आ जाते हैं वायु में शब्द स्पर्श, फिर आते हैं आकाश में केवल शब्द, और अपने मन को हम कैसे जाने? इसका क्या शब्द है, क्या स्पर्श है, क्या रूप है, क्या रस है, क्या गंध है? और ऐसा जाते जाते जब स्वरूप के पास पहुंचते हैं तो वहां एक भी गुण नहीं, लक्षण नहीं, इसीलिए निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, केवल नेति नेति की भाषा से ही बोला जा सकता है। तो ऐसा यह सूक्ष्मत्वात्, इसीलिए जब तक के हमारी बुद्धि इन गुणों से दूर नहीं होगी तब तक के ये दुर्गुण में है। जितना ये गुणों का महात्म्य समाप्त हो जाएगा उतना हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। इसीलिए उपनिषद की श्रुति कहती है दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, जिसकी एकाग्र बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, वही इस तत्व को पहचान सकता है, अन्यथा नहीं। और इस तत्व के बारे में अगले श्लोक में बताते हैं
अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। असल में देखा जाए तो इस तत्व में कहीं भी भेद नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है मानो इसमें भेद हो गया है। अब जैसे देखो, हमने सुवर्ण के 10 गहने बनाए, आभूषण बनाए, तो वो तो एक दूसरे से अलग है, लेकिन तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो उनमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से यह सर्वभूतेषु सभी में ऐसे लगता है कि अलग अलग है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सब में एक ही तत्व है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ऐसे लगता है एज इफ विभक्तम इव च, कि विभक्त होकर के बैठा है, और भूत भर्तृच तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। तो ये भूत भर्तृ है, यही है विष्णु भगवान, ग्रसिष्णु यही है शिव भगवान, और प्रभ विष्णु यही है ब्रह्मा जी। तो यही परमात्मा क्रिएटर की उपाधि लेकर के ब्रह्मा बनते हैं, और नाश करने की उपाधि लेकर के भोले बाबा बनते हैं, और इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वही विष्णु भगवान बनते हैं। इस प्रकार से जगत के निर्माण स्थिति और लय ये भी केवल औपाधिक है परमात्मा में। वैसा देखा जाए तो भगवान के दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है। यहां तक बताने के बाद अब ये जो 17वां मंत्र है, ये उपनिषद के मंत्रों का अनुवाद है। उपनिषद में मंत्र आता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो इमग्निहि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इस मंत्र का अनुवाद ये है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, सभी ज्योतियों की ये ज्योति है, और ये ज्योति कैसी है, तमसहा पर उच्चते, जो दूसरी ज्योतिया है वो अंधकार का विरोधी होती है। जैसे ये यहां बल्ब लगा दिया बिजली का, तो ये बिजली का बल्ब आने के साथ बिचारा अंधेरा इस कमरे से भाग गया, लेकिन ये ऐसी ज्योति है कि जो किसका विरोध नहीं करती। इसका समझना बहुत आवश्यक है, और ठीक से समझना आवश्यक है। अभी हम लोग काफी थक गए हैं, इसलिए इसको कल देखेंगे। श्री कृष्णा नारायण गोविंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।